जी क्लास आप लोगों ने वीडियो देखी है? यस सीआर ने क्लास ग्रुप में शेयर भी कर दी थी। ये यूनिवर्सिटी में लाइट की यार लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो सिस्टम ट्रिप कर गया तो यस सर, टीम्स पे भी अपलोड कर दिए। अभी आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था ओरिंग क्या होते हैं। ओरिंग जब आप ये कोई थ्रेड्स वगैरह लगाते हैं, जिस तरह टैप सेट होते हैं आपके घरों में, किचन में सिंक के ऊपर जो मिक्सचर होता है, ठीक है, इसके अंदर भी जब आप थ्रेड लगाते हैं तो इसके अंदर ओरिंग होते हैं। अगर आप ओरिंग नहीं लगाएंगे तो ये जो है वाटर की मुसलसल लीकेज रहेगी, तो उस लीकेज को कवर करने के लिए यहाँ पे ओरिंग लगाए जाते हैं एज ए सील। जब आप ओरिंग लगा देते हैं तो उसके बाद मिक्सर को, अगर शायद किसी ने कोई ट्राई की हो घर में, बेसन का मिक्सर जहाँ आपने यस सर, सिंक का तार के देखा हो, तो उसके अंदर रबड़ की एक वाशर होती है, इसको ओरिंग कहते हैं। तो उसकी जो ग्रूव्स होती हैं वो भी आपकी सेंट्रल लेथ मशीन पे ही बनती हैं, ठीक है। सीयर मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था, तो वो देखें 30 अप्रैल से यूनिवर्सिटी ऑन हो जाती है, तो वो आपको इधर ऑन कैंपस ही सारा कुछ करवा देंगे। ओके सर, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, टाइप्स ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, ये जो चार टॉपिक्स हैं ये हम बेसिक मशीन शॉप के, आप लोग ये जब यूनिवर्सिटी ऑन होगी ऑन कैंपस आएंगे साइकोमोटर वीक के लिए, तो आप लोग ये आके डिस्कस करेंगे मेरे साथ। ये जो चार टॉपिक्स हैं इनमें जो डिफाइन ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन है ये, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, ये तीन जो टॉपिक है ये आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। नंबर 4, एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, ये वही ऑपरेशंस की जो वीडियोस हैं ये आप लोगों ने, अब आपने एक वर्क पीस आपको हम प्रोवाइड करेंगे एक ग्रुप को। एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट होंगे, बॉयज़ के सेपरेट ग्रुप, गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप, रैंडमली आप लोग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास बेसिक मशीन शॉप में 15 सेंट्रल लेथ मशीन्स मौजूद हैं, ठीक है। हम एक सेंट्रल लेथ मशीन 2 स्टूडेंट को असाइन कर देंगे, यानी एक ग्रुप को, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर अपना वर्क पीस जो है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके मुताबिक आपने सेंट्रल लेथ मशीन के ऊपर अपना वर्क पीस रेडी करना है। डिफाइन ए सेंट्रल लेथ मशीन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन। लेथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन टूल्स इन द मेटल वर्किंग इंडस्ट्री। लेथ ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए रोटेटिंग वर्क पीस एंड ए फिक्स कटिंग टूल। जी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया वीडियोज में, आपने देखा है कि जो आपका वर्क पीस है वो याद रखिएगा हमेशा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर आपने गलती से, स्टूडेंट मशीनों में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस हैं, अगर फर्ज करें स्टूडेंट गलती से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मशीन ऑन कर लेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो आपका कटिंग ऑपरेशन नहीं होगा। सिर्फ आपने जो सेंट्रल लेथ मशीन का जो चक है रोटेट करता है वो पार्ट जिसमें आपने वर्क पीस को होल्ड किया, ठीक है, उसको हम चक कहते हैं। तो चक हमेशा आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तभी कटिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो आपने देखा है सिलेंड्रिकल वर्क पीस, सेंट्रल लेथ मशीन ओनली होल्ड सिलेंड्रिकल वर्क पीसेस। अगर आप मेरे पास कोई स्क्वायर रॉड ले आए या रेक्टेंगुलर बार ले आए मेरे पास, जी सेंट्रल लेथ मशीन पे होल्ड करते हैं तो उस पर होल्ड नहीं होती। सेंट्रल लेथ मशीन में सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल वर्क पीसेस होल्ड होते हैं। और जो मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल इसका आपने देखा ही है कि रोटेटिंग वर्क पीस है और फिक्स कटिंग टूल है जिसको आप फेड करते हैं अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वर्क पीस और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्क पीस। अगर आप परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वर्क पीस कटिंग टूल को रोटेट करो सॉरी मूव करवाएंगे तो आपके वर्क पीस पे फेसिंग ऑपरेशन होगा, वर्क पीस की लेंथ कम होगी।
पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्कपीस आप रोटेट करवाएंगे तो आपने अभी जो वीडियो में देखा है टर्निंग ऑपरेशन, इसमें वर्कपीस का जो डायमीटर है वो कम होता है, रिडक्शन इन डायमीटर कॉल्ड टर्निंग, ठीक है। द कटिंग टूल इज फेड इनटू द वर्कपीस व्हिच रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस काज द वर्कपीस टू बी फॉर्म टू द डिजायर्ड शेप। जो आपको हम एक्सरसाइज नंबर वन उसकी भी मैं पिक्चर अभी सीआर को सेंड कर देता हूँ, हमारे पास एक रिक्वायर्ड डाटा है, गिवन डाटा, उसके मुताबिक आपने अकॉर्डिंग टू साइज अपना वर्कपीस रेडी करना है, जिसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर वन लेथ मशीन, मशीन टूल है जो। सेकंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स जो आपने देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स के कटिंग टूल यूज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर थ्री वर्नियर कैलिपर, आपने जो प्रोडक्ट अपनी रेडी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल आपने चेक करनी है, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आपने उसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाया, ठीक है। वर्क पीस जो आप मशीन लैब में मेरे पास बनाएंगे उसके 70 मार्क्स हैं आपके, 70 मार्क्स वर्क पीस, 10 मार्क्स आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिकल नोटबुक, 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के और 15 मार्क्स आपके वाइवा के। ये है मेरे पास वैल्यूएशन शीट बेसिक मशीन छापने, ठीक है। इसका पेपर नहीं होता, ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इसकी थ्योरी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उतना ही इंट्रोडक्शन है सेंट्रल लेथ मशीन का कि आप उसको इजीली ऑपरेट कर लें, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको बाइक अभी नहीं ड्राइव करना आती, ठीक है, तो उनको नहीं इलम है कि इसका एक्सीलेटर किस पॉइंट पे है, क्लच लीवर किस जगह पे है, गियर चेंजिंग लीवर किस जगह पे है, ठीक है, ब्रेक इसकी किस जगह पे है, ऑयल लेवल कहाँ से चेक करते हैं, इग्निशन कहाँ से, तो ये उसके पार्ट्स हैं डिफरेंट। इसी तरह सेंट्रल लेथ मशीन का भी आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन है, आपको इसके पार्ट्स का इलम हो जाए, 24 पार्ट्स हैं सेंट्रल लेथ मशीन के टोटल, ठीक है। तो लाजमी बात है अगर आपने इसको ऑपरेट करना है तो आपको पार्ट्स के जो नेम है वो काइंडली आने चाहिए आपको, फिर ही आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेथ मशीन इज आल्सो नोन एज मदर और फादर द एंटायर टूल फैमिली, ठीक है। लेथ मशीन, मशीन टूल्स कौन कौन से हैं, अगर आपके पास घर में किसी स्टूडेंट के पास ड्रिल मशीन है तो वो भी मशीन टूल फैमिली का पार्ट है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के पास ड्रिल मशीन है या कभी किसी स्टूडेंट ने उससे दीवार में होल करने के लिए यूज़ किया है तो वो जो मशीन टूल है आपका ड्रिल मशीन, वो आपका मशीन टूल है। उसके आगे एक आपने ड्रिल बिट लगाई थी जिससे आपने दीवार में होल करना है, वो आपका कटिंग टूल है। और जो होल आपने दीवार में किया है अगर आपने उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, उसकी डेप्थ चेक करनी है, उसका डायमीटर चेक करना है अकॉर्डिंग टू जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आपने किया है, तो वो आपकी क्वालिटी कंट्रोल है। उसको चेक करने के लिए आप डेप्थ माइक्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं या डेप्थ गेज यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो वर्क पीस है इसको हम इसके डायमीटर्स वगैरह, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए, आउटर डाया इनर डाया मेजर करने के लिए हम आपको वर्नियर कैलिपर यूज़ करवाएंगे। लेथ मशीन, ये वो लेथ मशीन है जिस पे आप स्टूडेंट्स ने वर्क करना है, ये जो स्क्रीन पे शो हो रही है। ग्रुप की सूरत में एक ग्रुप में दो स्टूडेंट होंगे, इनको ये सेंट्रल लेथ मशीन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये 15 सेंट्रल लेथ मशीन मौजूद है मशीन लैब में। हिस्ट्री, द लेथ मशीन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन टूल। इन 1569 वुड लेथ वर इन यूज इन फ्रांस, ठीक है। सबसे पहले जो लेथ मशीन थी वो लकड़ी की टर्निंग के लिए यूज़ होती थी, वुड टर्निंग के लिए, ठीक है। जब आप लोग आएंगे यूनिवर्सिटी आप देखिएगा जो सबसे ओल्डेस्ट लेथ मशीन है, वुड टर्निंग लेथ, वो आपकी वुड वर्क लैब में मौजूद है, ठीक है। उसके ऊपर क्या करते हैं, लकड़ी के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, टर्निंग ऑपरेशन करते हैं लकड़ी के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के आप डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। वुड के ऊपर जैसे अक्सर आपने देखा है जो विलेजेस वगैरह हैं, इनमें विलेज वगैरह में आपने देखा होगा चारपाई के पाए होते हैं ओल्ड किस्म के, उनके ऊपर बड़ी बेहतरीन सी डिज़ाइनिंग की होती है, उनके ऊपर कलर पेंट किए होते हैं, ठीक है। वो तमाम किस्म की जो डिज़ाइनिंग है वो वुड टर्निंग लेथ पे होती है। जो सबसे पहले हिस्ट्री या सेंट्रल लेथ मशीन की 1569 में वुड टर्निंग लेथ सबसे पहले फ्रांस में यूज हुई थी, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मेटल कटिंग लेथ जो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। लेथ मशीन इज आल्सो कॉल्ड इंजन लेथ। लेथ मशीन को ये अक्सर वाइवा में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल लेथ मशीन और इंजन लेथ मशीन। सेंट्रल लेथ मशीन इज आल्सो कॉल्ड इंजन लेथ मशीन बिकॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ लेथ मशीन वॉज ड्रिवन बाई ए स्टीम इंजन। 1569 में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या कोई ऐसा पावर सोर्स नहीं था जिससे हम सेंट्रल लेथ मशीन को उसका जो चक है, असल में हमें चक को रोटेट करवाना है। ओल्डेस्ट मेथड स्टीम इंजन के अलावा और भी हैं, जैसे किसी ने किसी गांव में देखा होगा ये जो चाटी की लस्सी बनाते हैं इसको
बनाने के लिए भी एक ये रस्सी की डोरी होती है, रूप होती है, उसको खींचते हैं कभी राइट कभी लेफ्ट, तो वो मूवमेंट के लिए। इसी तरह यूनिवर्सल चक को भी रोटेट करवाने के लिए 1569 में स्टीम इंजन के अलावा ये भी मेथड से कि आप रस्सी की मदद से आप उसको रोटेट करवा सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, द लेथ इज अ मशीन टूल विच होल्ड्स द वर्कपीस बिटवीन टू रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स कॉल्ड सेंटर। कौन कौन सी टू रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं? नंबर वन हेडस्टॉक, जिसके अंदर आपका यूनिवर्सल चक माउंट है, ठीक है, इसमें आपने अपना वर्कपीस होल्ड करना है। सेकेंड साइड पे, राइट साइड पे, जो आपने अभी लेथ की वीडियोस में देखा है, उसके अंदर उन्होंने ड्रिल बिट को होल्ड किया हुआ है, ड्रिल चक को टेल स्ट्रक के अंदर। इस जगह पे एक सेंटर होता है। अगर आपके पास लेंथी वर्क पीस है तो आपने उसको बिटवीन टू रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स कॉल सेंटर, नंबर वन इज हेड स्ट्रॉक सेंटर, नंबर टू टेल स्ट्रॉक सेंटर, इनके बिटवीन आपने लेंथी वर्क पीस को होल्ड करना है, ठीक है। द कटिंग टूल इज हेल्ड एंड फेड अगेंस्ट द वॉल्यूम वर्क, कटिंग टूल फेड इधर पैरेलल और एट राइट एंगल। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि अगर आप इसको कटिंग टूल को पैरेलल रोटेट करवाएंगे, मूव करवाएंगे सॉरी वर्कपीस के, तो आपके वर्कपीस के ऊपर टर्निंग ऑपरेशन होगा, जॉब का डायमीटर कम होगा। अगर आप उसको राइट एंगल पे मूव करवाएंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वर्कपीस, तो आपके वर्कपीस की लेंथ कम होगी। और मे आल्सो एट एन एंगल, ये जो है ये बात जब आप ऑन कैंपस होंगे, सेंट्रल लेथ मशीन के ऊपर मौजूद होंगे, ये जो थर्ड पॉइंट है तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये होता है असल में टेपर बनाना, स्लोप बनाना, वर्कपीस के ऊपर स्लोप बनाना कि वर्कपीस की एक साइड का डायमीटर जो है वो 22 मिलीमीटर हो, दूसरी साइड का डायमीटर आप 16 मिलीमीटर कर दे। तो हम जो है कटिंग टूल को किसी एंगल पे एडजस्ट करते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन है वो 5 डिग्री है, हम 5 डिग्री पे कटिंग टूल को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो वर्कपीस के ऊपर स्लोप बन जाती है। ये ब्लॉक डायग्राम है आपके वर्कपीस की, लेफ्ट साइड पे हेड स्ट्रॉक सेंटर आल्सो कॉल्ड लाइव सेंटर, राइट साइड पे टेल स्ट्रॉक सेंटर आल्सो कॉल्ड डेड सेंटर, इनके बिटवीन आपका वर्कपीस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये नीचे जो है टूल पोस्ट शो हो रही है, जिसमें आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसके ऊपर से जो मेटल रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, जो आपने अभी वीडियो में भी देखा है, डेमो में भी, इसके अलावा और भी वीडियोज हैं, वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ। जो मेटल रिमूव होता है वो चिप्स की फॉर्म में रिमूव होता है। चिप्स एज टू टाइप, नंबर वन कंटिन्यूस चिप्स, अगर आप मेटल को रिमूव करवाएं, बड़ा परफेक्ट कट लगाएं, तो जो चिप्स रिमूव होती हैं, अगर किसी ने किसी ये मशीनिस्ट या हराद जिसके पास लगी हुई है, हरादिए के पास आपने देखा होगा, तो उसके पास स्पायरल शेप में, लच्छेदार शेप में जो चिप्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है, उनको कंटिन्यूस चिप्स कहते हैं। और जो ब्रिटल मटीरियल हो, जैसे कास्ट आयरन, अगर आप उसकी मशीनिंग करें तो उसकी जो चिप्स हैं वो डिसकंटिन्यूस चिप्स होती हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, लेफ्ट साइड पे आपका यूनिवर्सल चक है। जी जी सर, इन चिप्स का क्या पर्पस होता था? चिप्स तो मेटल का वेस्ट है। कभी कभी आपने ये वुड को देखा है, उसको प्लेन करने के लिए प्लेन यूज करते हैं, स्मूथ प्लेन और जैक प्लेन, तो उसके ऊपर से आपने देखा जो ये वुडन के ऊपर से पीसीज रिमूव होते हैं, क्या आपके किसी काम में आते हैं? नो सर। तो इसी तरह ये जो, लेकिन जो हमारे पास मेटल के ऊपर से चिप्स रिमूव होती हैं, ये रिसाइकल हो जाती हैं, ये रिसाइकल होकर दोबारा मार्केट में ये रॉड की शक्ल में दोबारा आपको मिलती हैं। सेंट्रल लेथ मशीन, अच्छा ये स्टूडेंट जरा बताइएगा, एक चक होता है, आप में से शायद किसी स्टूडेंट ने यूज किया हो, किसी स्टूडेंट ने ड्रिल मशीन यूज किया आपकी क्लास में? यस सर स्टूडेंट ने किया। और आपके अलावा? यस सर। ठीक है, तो ड्रिल मशीन में जो ये ड्रिल बिट लगाते हैं, जिसको कटिंग टूल कहते हैं, वो आप किस में होल्ड करवाते हैं? जी सर, हम वर्मा कहते हैं। जी जी, जिसे आप वर्मा कहते हैं, पंजाबी में वर्मा कहते हैं, उर्दू में वर्मा कहते हैं, इंग्लिश में उसको ट्विस्ट ड्रिल कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। यस सर। वो किस में होल्ड करवाते हैं? सर वो जो मतलब सर वो ड्रिल की चक में होते हैं। हाँ जी, ड्रिल के चक में होता है, ठीक है। तो इसी तरह वो जो ड्रिल के चक में आप ड्रिल सर, चक क्या चीज होती है? मैं वही आपको, आपने जिन्होंने पूछा चक क्या चीज होती है, आपने कभी ड्रिल मशीन देखी है? यस सर, यूज भी की हुई है। यूज भी आपने की हुई है, तो आपने ड्रिल बिट को कहाँ पे फिट किया था?
जिससे आप नाम तो नहीं देने आता, मतलब नाम नहीं पता, लेकिन वो जिसका आपको नाम नहीं ना आता उसी पार्ट को हम चक कहते हैं, उसी पार्ट को हम चक कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर तीन होल थे, ठीक है, उसके ऊपर तीन होल थे। आप किसी भी एक होल में उसके साथ आपको एक स्मॉल साइज की चक्की भी मिली थी, ऐसी है ड्रिल को लगाने के लिए, टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए। यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर, यस सर। उस चक्की को हम यहाँ पे चक्की आपको एक प्रोवाइड करेंगे, और वो जो चक है जिसमें आप ड्रिल बिट लगाते थे उसका साइज किसी ने पढ़ा है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसका जो साइज था वो था 1 mm to 13 mm। अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट के पास अभी भी गारमेंट ड्रिल मशीन पड़ी है तो देख लीजिएगा, उसके ऊपर लिखा होगा 1 mm to 13 mm, ठीक है। वो मैक्सिमम आपका 13 mm तक डायमीटर होल्ड करता है, यानी हाफ इंच, ठीक है। तो अगर उसी चक को बड़ा करें 6 inch कर लें, वो हाफ इंच डायमीटर को होल्ड करता है, और अगर आप उसको बड़ा कर लें साइज में वो 6 inch डायमीटर को होल्ड करे तो उसका नाम है चक। हम वो आपको सेंट्रल लेथ मशीन पे यूज़ करवा रहे हैं। ये जो आपको पिक्चर सामने शो हो रही है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, इसमें जो लेफ्ट साइड पे चक है यूनिवर्सल चक, ये वही है, उसके 3 jaws होते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल चक, आल्सो कॉल्ड सेल्फ सेंटरिंग चक। इसमें आपको वर्क पीस को सेंटर में खुद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चक्की से आप किसी भी चक के ऊपर जो होल बने होते हैं, ठीक है, चक के ऊपर उसमें ये जो आपकी चक किया इसको इंसर्ट करें, करने के बाद आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऑटोमेटिकली तीनों जार्ज इकट्ठे वर्कपीस को ग्रिप कर लेंगे, ठीक है। इसको हम चक कहते हैं, यूनिवर्सल चक। इसकी टाइप्स होती हैं 3 jaw chuck और 4 jaw chuck। 3 jaw chuck ये सिलेंड्रिकल जो बिल्कुल एक्यूरेट राउंड वर्क पीसेज होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज़ होती है, और जो 4 jaw chuck है वो इरेगुलर शेप, थोड़ा सा बेजवी आपका वर्क पीस है, ये प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इस ये अगर आप लोगों को 4 jaw chuck और साथ एक इरेगुलर शेप वर्क पीस दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये जो 3 hours की आपकी लैब है वो उसको सेंटर में ही सर आपकी आवाज चली गई है। Bye-bye.